अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं इस टाइम मौजूद हूं मर्दान लोनखोर के अंदर। यहां एक कदीमी दुकान तकरीबन 60 साल से कायम है और ये चीज़ बेच रही है अमृतसर। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये अमृतसर नहीं खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी इस शहर का विज़िट करें और ये अमृतसर चखें। और आपकी इस दुकान के मालिक इमरान खान से भी बात करवा रहे हैं, तो हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मर्दान लोनखोर के मशहूर अमृतसरों की। हाजी इकबाल स्वीट्स के ये अमृतसर बहुत मशहूर हैं। ये पंजे के साइज का पिज्जा की तरह होता है जिस पे बादाम और तिल लगा हुआ होता है। ये ज्यादातर लोग चाय के साथ खाना पसंद करते हैं। ये चीनी और गुड़ से तैयार होता है। लोनखोर मर्दान के अमृतसर पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। यहाँ से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती है। ये लोनखोर बाजार की सबसे कदीमी दुकान है जो पिछले 50 साल से वाकिया है। यहाँ मौजूद दुकान के मालिक से मेरी बात हुई, उनका कहना था, मेरा नाम इमरान खान है और ये दुकान तकरीबन कोई 60 साल पहले मेरे वाले साहब ने स्टार्ट की थी। उस टाइम इधर एक छोटा सा बाजार था, हमें तो याद नहीं है लेकिन उस टाइम से जो सुनते आ रहे हैं ना, तो तकरीबन कोई 60 साल हो गए ये दुकान स्टार्ट हुए और 60 साल से यही चल रहा है। बकाया जो लोग की आपने बात की कहाँ से आते, तो तकरीबन मुल्क के हर हिस्से से लोग आते हैं और ये तकरीबन ज़्यादातर सऊदी अरेबिया, दुबई, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ना जहाँ पे हमारे ये लोग रहते हैं, वो अपने साथ ज़्यादातर लेके जाते हैं। कनाडा जाते हैं और यूएस, इधर जो लोग हैं ना आसपास नज़दीक जो लोग हैं और जो मतलब इधर पहले से आते हैं तो लेके जाते अपने साथ, तो बाहर ममालिक पे भी जाते और यहाँ पे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सेल है इसकी। ये अमृतसर कितने अकसाम के आपके पास? ये असल में इस टाइम जो सर्दी में होते हैं ना, दो किस्म के होते हैं, एक गुड़ वाले होते हैं, एक चीनी वाले। फिर गर्मियों में ये कि गुड़ थोड़ा वो एक मसला उसमें ये होता है कि ये तो नमी उसमें आती है ना, तो नरम हो जाते हैं। फिर तो हम तकरीबन कोई मई के बाद गुड़ वाले अमृतसर बंद करते, सिर्फ चीनी वाले पर चलते। तो वो एक तो ये है कि गुड़ और चीनी का गया, फिर इसमें एक सादा अमृतसर होते हैं जिस पे खाली तिल होता है और दूसरा होता है उस पर ये मूँगफली भी साथ में होती है। फिर लोग स्पेशल भी बनाते हैं, मतलब खोपरा लेके आते और ये चुहारे वगैरह लेके आते, तो एक अलग से मतलब एक चीज़ होती है ना, उसके लिए वो स्पेशल बनाते हैं लोगों के लिए। तो अमृतसर तैयार करने में आप लोग किन किन अशिया का इस्तेमाल करते हैं? मेन चीज़ जो इसमें है ना, ये बनते हैं चावल से, मेन आइटम इसका है चावल, और साथ में ये चीनी उसके साथ मिक्स करते हैं, जो खमीर इसका पेस्ट जिस टाइम बनाते हैं ना, तो चीनी या गुड़ उसके साथ मिक्स करते हैं और फिर जब उसका पेस्ट बन जाता है उसको रखते हैं तकरीबन कोई 24 घंटे उसको रखते हैं। 24 घंटे के बाद उससे अमृतसर बनते हैं ना, तो फिर बनते हैं ऑयल में, घी वगैरह में ये नहीं बनते क्योंकि घी आपको पता है फिर वो जो है ना वो जम जाता है, तो उसका एक वो दूसरा सिस्टम होता है। फिर बनते हैं ये ऑयल में और फिर जिस टाइम ये पकाते हैं ना उसी टाइम इसके ऊपर ये जो मूंगफली और तिल वगैरह है ना, ये सारा उस टाइम उसके ऊपर हो। इसका नाम अमृतसर कैसे पड़ा, कुछ पता है? यार इसका तो ये असल में मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ, पंजाब साइड पे कहीं जाता हूँ लोगों से मिलते हूँ, मैं एक बंदे से मिला था, वो कहते हैं कि यार इसको अमृतसर नहीं अंदरसे बोलते, वो कहते हैं कसूर साइड पर ये मिलते बहुत पुराने वहाँ के, तो उसने कहा अंदरसे मिलते वहाँ पर। इस दुकान से हमने भी अमृतसर अपने लिए पार्सल कराए और हमारे दोस्तों ने भी पार्सल कराए। हमारा दिखाने का मकसद ये होता है कि कोई अच्छी चीज़ हम आपको दिखा सकें। तो आप लोगों का भी इस शहर मर्दान चकर लगे तो आपने लोनखोर के ये अमृतसर लाजमी खाने हैं, या अगर आपका कोई रिश्तेदार वहाँ रहता है तो आपने उससे पार्सल मंगवाने हैं ताकि आप भी इस चीज़ का जायका चख सकें। तो ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोज़ के साथ फिर हाजिर होऊंगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।